स्वागत है आप लोगों का न्यूज़ ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन और रोज़ की तरह आज भी लेके आया हूँ कुछ एकदम धमाकेदार न्यूज़। तो शुरू करते हैं, पहले हेडलाइन देखते हैं रोज़ की तरह। पहला है, व्हाट्सएप से कॉल करने पर देने होंगे पैसे, जानिए क्या सरकार उठाने जा रहा है यह कदम। तो इस पर बात करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है सबके लिए। दूसरा है, बैंक जॉब्स बिहार में यहाँ निकली बम्फर नौकरी, आपके पास है सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका। तो ये है। और तीसरा है, वीवो दिल लूटने आया है, फटाफट फुल चार्ज होने वाला धमाकेदार स्मार्टफोन, कम कीमत में मिल रहे हैं 500 फीचर, इस पे बात करेंगे। ये तीन न्यूज़ मैं आज के लिए लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें अगर अच्छा लगे तो। बेल आइकन भी दबाएँ ताकि मेरा न्यूज़ का अपडेट आपको सबसे पहले अपडेट हो जाए। तो शुरू करते हैं आज। सबसे ज़रूरी खबर जो है ये है, व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए इस पे आपको पैसे देने पड़ सकते हैं या देने पड़ेंगे। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य ऐप जो आपको बिल्कुल मुफ्त में कॉल करने देते हैं, जल्द ही आपको भुगतान करने के लिए कह सकते हैं अगर ट्राई का प्रस्ताव लागू होता है। द इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के आधार पर दूरसंचार विभाग डॉट ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई से इंटरनेट आधारित कॉल को विनियमित करने के बाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा है। दूरसंचार ऑपरेटर और सेवा प्रदाताओं की ओर से पूरे उद्देश्य के लिए सेम सर्विस सेम रूल के सिद्धांत पर विचार करने का दावा रहा है, दूरसंचार विभाग ने कही यह बात। ट्राई ने शुरुआत में इस प्रस्ताव को 2008 में वापस भेज दिया था, जब भारत में मोबाइल इंटरनेट अभी भी अपने शुरुआती चरण में था। डॉट ने अब प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी है। ट्राई ने व्यापक संदर्भ के आधार आने के लिए कहा है, ऐसे नई तकनीक के उभरने के बीच तकनीक माहौल में आए बदलाव के चलते किया जा रहा है। नए नियम इंटरनेट टेलीफोन ऑपरेटर और यहां तक कि ओटीटी खिलाड़ियों को भी ध्यान में रखकर बनाई गई। इंटरनेट पर कोई और मुफ्त कॉल नहीं। ट्राई की मूल सिफारिश 2008 में वापस की गई थी। यह कहा गया था कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को सामान्य टेलीफोन नेटवर्क पर इंटरनेट कॉल प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि इस इंटरकनेक्शन फ्री के लिए भुगतान करना होगा, वैध अवरोधन उपकरण स्थापित करना होगा और कई सुरक्षा एजेंसियों का अनुपालन करना होगा। 2016-17 में एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया गया जब नेट न्यूट्रलिटी का मुद्दा चर्चा में था। हालांकि दूरसंचार विभाग अब प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। कहा जाता है कि टेलीकॉम ऑपरेटर लंबे समय से सभी इंटरनेट आधारित कॉल और मैसेज सेवाओं के लिए कानून की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इन्हें लाइसेंस शुल्क के समान स्तर को भुगतान करना चाहिए। कानूनी अवरोध सेवाओं की गुणवत्ता आदि के विनियमन का पालन करवाना चाहती है, जैसा कि दूरसंचार ऑपरेटर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर लागू होता है। यदि कानून अंततः पारित हो जाता है तो गूगल, डूडल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, सिग्नल, टेलीग्राम, इस तरह की कई सेवाएं जैसे मुफ्त टेस्टिंग और कॉलिंग पर आधारित भरोसा करने वाले यूजर्स को सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा। यह देखना बाकी है कि सेवाओं को टैरिफ और शुल्क कैसे लागू किए जाएंगे, यह देखते हुए कि इंटरनेट पर सब कुछ डाटा पैक पर आधारित है। तो आप लोगों ने पूरा न्यूज़ सुन लिया। अब इस पे यही है कि जो जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर हैं हम लोग का, जियो है, वोडाफोन है, एयरटेल है, इन लोगों ने बहुत पहले से कहा है कि अगर कॉल करने दिया जाता है इस एप्लीकेशन से तो उन लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस पे सरकार अभी जैसे कि कॉलिंग के लिए लाइसेंस फीस लेगी इन सभी व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम, जितने भी जहाँ से भी आप जिस एप्लीकेशन से कॉल करते हैं, तो अगर वहाँ से सरकार इन पर चार्ज लगाती है तो सीधा मतलब है कि वो कंपनी आप पे कॉलिंग का कॉस्ट डालेगी। तो मेन ये है कि आप लोगों को हो सकता है कि आने वाले समय में व्हाट्सएप से भी कॉलिंग के पैसे देने पड़े, या फिर जहाँ से भी, जिस एप्लीकेशन से भी आप वॉइस कॉल या वीडियो कॉल करते हैं। तो ये न्यूज़ ये था, और इस पर और कोई अपडेट होगा तो ज़रूर लेके आएंगे। चलते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ है, बिहार में यहाँ निकली बम्फर भर्ती, आपके लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका। बिहार राज्य सरकार BSCB ने सहायक और सहायक प्रबंधन के पद के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन
बीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट जो यहाँ पे दिया गया है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये वेबसाइट है, ये बिहार सरकार की कोऑपरेटिव बैंक है, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। आखिरी तारीख 9 अक्टूबर 2022 है, जो कि अभी भी बहुत बहुत दिन है, अभी आज 12 ही सितंबर है, एक महीने के करीब करीब है, आप जाके वहाँ से कर सकते हैं। अगस्त 2004 के बीच पैदा हुए इस पदों के लिए आवेदन करने के पात्र सहायक प्रबंधन के पद के लिए MBA वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। बिहार राज्य सहकारी बैंक में उपलब्ध पदों के लिए आवेदन कैसे करें, यह जानने के लिए उम्मीदवार नीचे दी गई प्रक्रियाओं पर उल्लेख कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कैसे करें, कैंडिडेट्स पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, होम पेज पर जो करियर्स के बटन में आप जाके लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक पेज खुल जाएगा जिसे अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना है, तो वेबसाइट पर जाके आपको अच्छे से पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ आपने रजिस्टर कर लें, अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना लें। अब लॉगिन करें और मांगी गई जरूरी डिटेल्स भरकर डॉक्यूमेंट अपलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म भर लें। फॉर्म भरने के बाद फीस पे कर दें, इसके बाद अपना फॉर्म सबमिट कर दें, भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट लें और उसे डाउनलोड कर लें। उम्मीदवार BSCB भर्ती 2022 के सहायक और सहायक प्रबंधक के लिए 9 अक्टूबर 2022 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। बिहार SBC भर्ती को लेटर अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर देखें। तो ये अच्छा मौका है, जो ग्रेजुएशन है या मास्टर के को ज़्यादा इसमें दिया जाएगा, जैसे कि आप MBA हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी, पर जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है वो भी भर सकते हैं। तो जाए और कोशिश करें जिन्होंने तैयारी कर रखी बैंकिंग की। चलते हैं आगे, आगे है वीवो दिल लुटने आया फटाफट फुल चार्ज होने वाला धमाकेदार स्मार्टफोन, कम कीमत में मिल रहे हैं धांसू फीचर। तो देखते हैं क्या है वीवो का Y22 लॉन्च इन इंडिया। जैसा कि हम आपको बताया कि वीवो ने Y22 को भारत में लॉन्च कर दिया है और इसे खरीदा भी जा रहा है। वाई सीरीज के स्मार्टफोन में वाटर ड्रॉप नीचे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मॉड्यूल ड्यूल कैमरा सेंसर के साथ कई फीचर दिए जा रहे हैं। इस फोन में स्टाइलिश ब्लू और मेटावर्स ग्रीन दो कलर में ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन फीचर की बात करें तो वीवो Y22 में 6.5 इंच का है, HD+ डिस्प्ले है, और उसके बाद पिक्सल रेजोल्यूशन 530 है। इसके बाद आप ब्राइटनेस को बहुत अच्छा तरीके से देख सकते हैं। इसमें दिए गए 4G स्मार्टफोन चिपसेट पर काम करता है, ये 5G फ़ोन नहीं है, ये 4G फ़ोन है। 64 GB स्टोरेज को SD कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। एंड्रॉयड 12 बेस्ड फ़ोन है और Y22 में ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। प्राइमरी 50 MP का कैमरा है, जो कि वीवो के लिए बहुत अच्छा है, और इस कैमरा का आप फोटो खींचने में बहुत अच्छा आनंद ले सकते हैं। और देख सकते हैं इसमें 5000 mAh की बैटरी, 18 वाट का स्टैंड चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया, जो कि काफ़ी फास्ट बताया जा रहा है। तो आप लोग ये फ़ोन अगर लेना चाहें तो ये बहुत ही बजट फ़ोन है, जाके फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न पे चेक कर सकते हैं आप लोग। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कल। और जाते जाते बस यही कहेंगे, जो मेरे वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो, और शेयर करें, कमेंट भी करें कि कुछ अगर कमी हो तो बताएं। नमस्कार, मिलते हैं कल।